नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। देश में कई मुद्दों पर चल रहे विवाद के बीच अब एक नया विवाद सामने आया है और वो ये है कि ताजमहल के सभी 22 दरवाजे खोले जाएं और उनकी जांच हो। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में ASI को ताजमहल के बंद 22 कमरों की जांच के निर्देश देने की मांग की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इन 22 बंद कमरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े सबूत मौजूद हैं। दायर याचिका में कुछ इतिहासकारों ने स्मारक की जगह पुराना शिव मंदिर होने की बात कही है। इसके साथ ही याचिका में 22 बंद कमरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों को बंद करके रखने का भी दावा किया गया है। आपको बता दें कि ताजमहल के नदी तट के भाग में संगमरमर की नीच के ठीक नीचे 22 कमरे हैं जिनमें ASI की तरफ से ताले लगा दिए गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं 22 कमरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसी का पता लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई कि इन कमरों की जांच हो, तो वहीं जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने को भी कहा गया है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ताजमहल एक उत्कृष्ट शिव मंदिर प्रतीत होता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।